गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमारा बिजनेस स्टडी का आज थर्ड लेक्चर है यूनिट नंबर 5 के रिगार्डिंग। यूनिट नंबर 5 पे हमारे दो लेक्चर लग चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने लगाया था यूनिट नंबर 5 में, उसमें हमने स्टडी किया था बेटा फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है सर। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सर फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है? बेटा फॉर्मल है जैसे हम यूजुअली बात करते हैं, आपने कहते हुए सुना होगा कि फॉर्मल ड्रेस पहन लेते हैं। फॉर्मल जैसे कि हम सोचते हैं कि ऑफिशियल ड्रेस है, जैसे हम किसी, जैसे आपकी जो स्कूल ड्रेस है वो एक तरीके से आपकी फॉर्मल ड्रेस है। वो स्कूल का स्ट्रक्चर है, स्कूल ने पर्टिकुलर ड्रेस डिसाइड कर रखी है स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स वही ड्रेस डाल के आएंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है सर? स्कूल ने अलग से जून के सैटरडे को अलाउ कर रखा है कि सैटरडे को आप कैजुअल डाल सकते हैं, नॉट एवरीडे, जस्ट सैटरडे। तो सैटरडे को जो स्टूडेंट्स है वो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस वो ड्रेस डाल के आते हैं, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये तो हो गया ड्रेस के बारे में, अभी बात करते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि सर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। बेटा यूजुअली हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप पे कौन होते हैं सर? शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स के अंदर कौन होता है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन आ जाता है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब एंड अदर डायरेक्टर साहब आ जाते हैं। ओके, इनके अंडर फिर कौन आ जाता है बेटा? जीएम, जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के अंडर फिर कौन आता है बेटा? डिपार्टमेंट मैनेजर। यूजुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसे चलता है। ठीक है, यानी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई नया रिजोल्यूशन पास किया है, कोई नई, आप कह सकते हैं बेटा कोई नया रूल अप्लाई किया है, कुछ नया फर्दर चेंजेस लेके आने हैं, तो ये वो चेंजेस आपस में इन्होंने डिस्कस करके ये बताएंगे किसको? जनरल मैनेजर को, कि आपकी अप्लाई करो। जनरल मैनेजर फिर ये बात किसको बताएगा? कंसर्न डिपार्टमेंट में, भाई आप अपने डिपार्टमेंट में ये चेंज करो, आप अपने डिपार्टमेंट में ये चेंज करो एक्सेट्रा। एंड डिपार्टमेंट मैनेजर फिर बढ़कर बेटा जैसे एम्प्लॉइज अपने को चेंज करवाना हो तो डिपार्टमेंट मैनेजर फिर बताएगा किसको? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर फिर किसको बताएगा? एम्प्लॉइज को। किसको बताएगा बेटा? एम्प्लॉइज को। स्किल चेंज हमने बढ़ाया बेसिकली। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? जहां पे अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री डिटरमाइन है, फिक्स है कि अथॉरिटी किधर से किधर जाएगी। कि एक सिंपली समझ लो सर, टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल से बॉटम लेवल पे, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन के, आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स में हो कि हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि आप ये काम करोगे, आपने अपना काम करके इनको रिपोर्ट करना है, वो फिर फर्दर रिपोर्ट बना के उस काम को आगे वहां पे रिपोर्ट करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है सर। सर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर्स हैं सारे कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हाँ सर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर्स जो हैं, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये भी किसके लिए काम कर रहे हैं सर? कंपनी के लिए। अब ध्यान से सोचिएगा, प्रोडक्शन मैनेजर ने परचेज मैनेजर से कहा सर मुझे 1000 किलोग्राम ऑफ एक्स रॉ मेटेरियल चाहिए। किसने कहा बेटा? प्रोडक्शन मैनेजर ने परचेज मैनेजर, आप ये गुड्स परचेज करके लाओ। ये जो डील हुई है इनके बीच में, ये जो बात हुई है, किसका पार्ट था सर? ये पार्ट था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ठीक है, ओके। फिर प्रोडक्शन मैनेजर ने परचेज मैनेजर से कहा कि सर आज ना मेरे घर पे पार्टी, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, प्लीज आप पार्टी में भी आना। ओके, अब ये जो पार्टी में आने की बात है, क्या ये कोई ऑफिशियल बात है? नहीं सर, ये तो इनका पर्सनल इवेंट है, ये अपने दूसरे कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय को अपने पर्सनल इवेंट में क्या कर रहे हैं सर? इनवाइट कर रहे हैं। बेटा ये जो इनके बीच में डिस्कशन हुआ है, दिस इज पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कह दो, फॉर्मल होता है एक तरीके से बेटा ऑफिशियल, एंड इनफॉर्मल होता है बेटा पर्सनल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल क्या होता है? पर्सनल लेवल की कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कंपनी के मैप पे गिवन है कि किसने, किस एम्प्लॉय ने कैसे कैसे काम करना है, किसके साथ कैसे काम करना है। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये क्या है सर? ये कंपनी के मैप में नहीं है, ये होती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। इसको सेटिस्फाई करने के लिए
हमारी साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। कैसे सर? हम जहां कहीं भी काम करते हैं हमें वहां एनवायरमेंट कैसा चाहिए? सर फ्रेंडली। कैसा एनवायरमेंट चाहिए हमें वहां पे? फ्रेंडली एनवायरमेंट चाहिए। उस फ्रेंडली एनवायरमेंट की चाह है हमारी, जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, उसको पूरा करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, की हमारे जो बाकी एम्प्लॉय जो कलीग्स हैं हम उनके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम ऑफिशियल रह के काम नहीं कर सकते, हमें वहां पे एक सेंस ऑफ पर्सनलाइजेशन या फिर फ्रेंडली सेंस हमको वहां पे चाहिए होता है। किसके लिए? हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है सर। अब बेटा ये दोनों पॉइंट हम किसके ब्याप पे पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ब्याप पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं। ओके सर, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना हो, अगर ये ना हो, जैसे कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, इन्होंने एक दूसरे को कभी कोई रिपोर्टिंग करनी नहीं होती, इनका कोई भी लिंक नहीं होता एक दूसरे के साथ, क्या ये वो पार्टी में बुलाने वाला इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर पाते? तो नहीं। यानी एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? फॉर्मल पे। किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, उसी के बाद हम वहीं पे अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर के साथ, ये सारा स्ट्रक्चर वो किसने दिया? कंपनी के मैप ने। आपने ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है, उसी मैप के थ्रू हम जिन लोगों से घिरे हुए होते हैं, कुछ हमारे सीनियर्स होते हैं तो कुछ हमारे जूनियर होते हैं, यहां पे मिड में हम हैं, इसी मैप की वजह से हमें ये सीनियर एंड जूनियर मिले हैं, इसी की वजह से फिर हम दिन रात जब साथ में मिलकर हम काम करते हैं तो हम वहां पे क्या हो जाते हैं? सब फ्रेंडली हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।